फ्रेंड्स, मेहंदी एक नेचुरल कंडीशनर है। मेहंदी हेयर डाइज में, मेहंदी से अर्क बनाए जाते हैं जो हम नेल्स पे लगाते हैं, मेहंदी से टैटूज़ वगैरह बनते हैं। मेहंदी जो होती है वो बालों की जड़ों तक पहुँच के उनको स्ट्रेट बनाती है। बालों को नरिश करने की जो क्वालिटीज़ होती हैं वो मेहंदी में बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं। बालों को सॉफ्ट बनाती है, शाइनी बनाती है, सर दर्द से निजात देती है और स्किन की बहुत सारी बीमारियाँ हैं जिनसे हमें मेहंदी बचाती है। जिस्म को बहुत ज़्यादा ठंडा रखती है, सूजन को ख़त्म करती है और स्किन को एनर्जी देती है। मेहंदी के अगर फ़वाद लिखने पे या बोलने पे आएँ तो एक पूरी किताब लिखी जा सकती है। फ्रेंड्स, जो दूसरा इंग्रेडिएंट मैं यहाँ पे यूज़ करने वाली हूँ वो है नारियल का तेल। नारियल का तेल यहाँ पे जो मेरे पास है उसमें आलमंड, कोकोनट और आंवला भी शामिल है। नारियल का तेल बालों को ग्रोथ में मदद देता है, ये जड़ों तक पहुँचता है, बालों को मजबूत बनाता है, जूओं से और डेंड्रफ से प्रोटेक्ट करता है। कोकोनट ऑयल हमारे बालों को सॉफ्ट बनाता है, कोकोनट ऑयल बालों को टूटने से बचाता है, लंबा करने में मदद करता है। नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट इसमें होते हैं जैसे कि वाइटामिन सी, वाइटामिन के और आयरन, जो बालों को बूस्ट करते हैं और बालों को बहुत अच्छे तरीके से बढ़ने में मदद देते हैं। अब आ जाते हैं कि हम ये ऑयल बनाएंगे कैसे। इस ऑयल को बनाना इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है। हमारे पास जो कोकोनट ऑयल जिस बोतल में आया हुआ है, हम उसी बोतल में मेहंदी के पत्ते, जो हीना के लीव्स हमने लिए हुए हैं, वो हम कोकोनट ऑयल में डाल देंगे। अब जो है हमारा कोकोनट ऑयल जो है वो तैयार है, यानी कि हीना का जो ऑयल है हमारे पास तैयार है। हम इसको अच्छे से जो है शेक करेंगे, ओवरनाइट इसको हम रख देंगे और सुबह को इस्तेमाल कर सकते हैं। हफ्ते में 2 दफ़ा इस्तेमाल कीजिएगा। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को भी दबाइएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।